गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के देवगांव की रहने वाली रश्मि सुचिता बाड़ा न्याय के लिए दर दर की ठुकरें खाने को मजबूर है। उपायुक्त गुमला को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। आप भी देखिए आखिरकार क्या है पूरा मामला। गुमला जिला के पालकोट थाना क्षेत्र के देवगांव की रहने वाली रश्मि सुचिता बाड़ा न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उपायुक्त गुमला को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया कि 2 जनवरी 2018 में उसके मुंह बोले भाई अनुप भारती राजकीय प्राथमिक विद्यालय घांगरा में शिक्षक के पद पर कार्यरत है और मेरे भाई का सोनी मिंज के साथ कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। मामला जानकारी होने के बाद चर्च में शादी करने की बात कह शादी के लिए सिमडेगा बुलाया था। पीड़ित ने बताया कि लड़की सोनी मिंज का मामा सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा है। सिमडेगा पहुंचने के बाद शादी करने से पूर्व मेरे भाई अनूप को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, जिसका मैंने विरोध किया, तो मैं मेरे भाई का धर्म परिवर्तन नहीं कराऊंगी। जिसके बाद सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के द्वारा मेरे साथ मेरी माँ मेरे भाई के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी गई कि वह मेरे साथ मारपीट व गाली गलौज करेगा। वहीं घटना के बाद पीड़िता ने सिमडेगा थाने में जाकर मामले की शिकायत की, लेकिन थाने के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी घटना की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी घटना की जानकारी दी, निर्देश मिलने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। मामला शायद न्यायालय में चल रहा है, कुछ मामला है। उन्होंने आरोप लगाया और उपायुक्त गुमला को लिख के दिया है कि आपने उन्हें धमकी दिया है, उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं, क्या मामला है ये? देखिए कि निराधार आरोप है, इस तरह से कोई बात हुआ नहीं है। अरे मुझे बहुत सारा काम करना है, मैं उनसे अपना इस तरह से करके मुझे क्या फ़ायदा है? मुझे जनता का सेवा करने के लिए आया हूँ, जनता का सेवा कर रहा हूँ। इस तरह के मैंने कि छिछले लोगों के साथ मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, कोई केस भी लड़ना नहीं चाहता हूँ। मामला कोर्ट में है, कोर्ट उसको अपना संज्ञान में ले और उसको जितना जल्दी हो सके। बेबुनियाद आरोप है। सिमडेगा के कांग्रेसी विधायक पर गंभीर आरोप लगा है, बला धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। सरकार अविलंब उस पर मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करते हुए से गिरफ्तारी करे। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन पूरे झारखंड में फैला है, उसका कहीं न कहीं संबंध इस विधायक से तो नहीं है, इसलिए पूरी तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से इसका जवाब देना पड़ेगा। सोनी में उनके बार बार कहने पर मैं वहाँ सिमडेगा गई थी, भूषणबाड़ा के यहाँ। अब भूषण बाड़ा के यहाँ जब गई तो मेरा मुंह बोला भाई अनूप है, उनका धर्म परिवर्तन के लिए मुझे बोला गया। तब जब मैं मना कर दिए तब उसी बात को लेके बहस हो गई और होने के बाद वो गाली गलौज करने लगा हमको, मतलब कि रंडी वैसा बोलने लगा, लड़की दलाली करती है तुम, इस तरह बोल के हमको वो करने लगा और बोला कि आज इनको नंगा करो और पूरा चप्पल का माला पहनाएंगे और पूरे गाँव में घुमाएंगे, कह के मेरा कपड़ा वो खींच लिया, एक कपड़ा दुपट्टा खींच के फेंक दिया और अपनी पत्नी और अपनी बहन को भी बुलाया अंदर से और वो लोग भी मेरा कपड़ा खोलने लगी। तब हम जब रोने लगे तो बोल रहा है कि तुम इसी तरह करती है, तुमको अभी पूरा गांव में घुमाएंगे और सब तरफ इज्जत करेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक तुमको नहीं छोड़ेंगे, इस तरह करके। उसके बाद कोई फ़ोन किया वहाँ से करने के, थाना फ़ोन किया, थाना फ़ोन करने के बाद वहाँ से जब पुलिस आई उतने देर तक हमको धूप में ही वो लोग अकेले रखे, पूरा 1.5 घंटा धूप में हमको रखा था कि ये लड़की दलाली करती है, दलाली करके मतलब शादी करा करा के पैसा ये कमाती है बोलकर उस तरह हमको बोला। उसके बाद जब पुलिस आई, पुलिस भी उन्हीं की बात सुना, भूषण बाड़ा की ही बात सुना, सुनने के बाद हम लोग को थाना ले गया। थाना ले जाने के बाद भी वहाँ उन्हीं की बात सुन रहा है, अब बोल रहा है कि लोग अगले बार मिलेगा, थाना में भी बोला कि अगले बार ये लोग इधर दिखेगा तो थाना प्रभार जो सिंह जी थे इंस्पेक्टर, वो बोल रहे हैं अगले बार ये लोग दिखेगा तो यहीं मार के फेंक देना, हम सब संभाल लेंगे। फिर वहाँ से हम लोग को पाकिस्तान थाना ले गया और वहाँ भी मतलब हम लोग माँ और हम थे, उसके साथ कोई लेडीज पुलिस को नहीं भेजा, सिर्फ जेंट्स पुलिस गए थे हम लोग साथ। अब वहाँ हम लोग को शाम तक रखा, 6:30 बजे हम लोग को वहाँ से छोड़ा गया। तो ये घटना को मैं मतलब थाना मेरा नहीं लिया कंप्लेन, तो मैं कोर्ट में वहाँ कंप्लेन की थी सिमडेगा, जो अभी रांची में चल रहा है, स्पेशल MPML कोर्ट में चल रहा है। तो क्या मांग करती हैं? मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष मुझे न्याय मिले, किसी लड़की के साथ या महिला के साथ इस तरह हुआ है तो उसको तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। इसलिए धर्मांतरण का करवाया जा रहा था आपके भाई का? वो सोनी मिंज है, वो मतलब इंटरकास्ट लड़के से कोर्ट मैरिज की थी, तो वो लोग चाह रहा था कि शादी करेगा, तो हमको वो लोग, हमको इसकी जानकारी नहीं थी कि इस प्लान से वो लोग बुलाया है।
जब वहाँ गई तब हमको पता चला, बोल रहा है कि लड़का को पहले क्रिश्चियन बनाओ उसके बाद हम लोग लड़की को साथ में जाने देंगे, इस तरह वो लोग बोल रहा था। तो आप धर्मांतरण का विरोध किए तब जाके आपके ऊपर ऐसा जुल्म ढाया गया? मैंने धर्मांतरण का विरोध किया, मैं किसी को क्यों बोलूँगी सर, क्योंकि सबका अपना अपना मानने का आधार है, जिसको जिससे जैसे मानना है वो उसी के अनुसार मानेगा। तो भूषण बार वो बार बार परेशान कर रहा है, मतलब अपने संबंधियों के द्वारा वो धमकी दे रहा है केस वापस ले आने के लिए। अब मेरी माँ को साप्ताहिक बाजार गई हुई थी, वहाँ भी मेरी माँ को